नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो सामने आई है केवीएस परीक्षा को लेके, केवीएस के तमाम परीक्षाएं, हालांकि अभी जो मेरे पीछे अभी आप देखोगे कटिंग की मैं जिसकी चर्चा करने वाला हूं, ये केवल लाइब्रेरियन की बात कर रहा है, लेकिन मैं इस पोस्ट में केवल इस वीडियो में केवल लाइब्रेरियन पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे लाइब्रेरियन इवन केवीएस की टीचिंग पोस्ट इवन नॉन टीचिंग में जीएससी वगैरह पोस्ट की भी चर्चा करने आया हूं कि एक बहुत बड़ा लूप होल पूरे के पूरे एग्जाम में हुआ है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है जिसे अभी नहीं सचेत हुए तो हमारे हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जानी है। ये अभी हालांकि ये दैनिक भास्कर भास्कर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनमें जो खबर बताई गई है और इसका पूरा आंकड़ा मेरे सामने भी है, मैं आपको इसको एक एक करके बताता हूं है क्या ये कि केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती में नकल, पास छात्रों में 78% हरियाणा दिल्ली से। अभी जो केवीएस के लिए इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट आया है, जो कॉलिंग आई है, उसमें से है क्या कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कहां से हैं, हरियाणा और दिल्ली से सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है इसके भी पीछे का देखा जाए तो यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ दिख रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ऐसी परीक्षा जो संपूर्ण भारत में कराई जा रही है, मात्र दो राज्यों से 80% बच्चे केवल दो राज्यों से क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद भी ऐसा भी देखने को मिला है कि राज्य उनका हरियाणा दिल्ली है बट वो पेपर देने नागालैंड गए हैं, अंडमान गए हैं और कहां पे गए, जम्मू कश्मीर गए हैं। मतलब 2000 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर दूरी की ट्रेवल करके कोई बच्चा क्यों जाएगा वहां पे पेपर देने, इसके पूरी जानकारी इसमें दिया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम नकल और इशारा कर रहा है। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणी में जिन 257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया उनमें से 160 केवल हरियाणा से हैं, 40 दिल्ली से हैं, राजस्थान से 11 हैं, बिहार से 10 हैं और बाकी सब मिला के बाकी जो राज्य मिल रहे हैं उसमें से केवल 36 हैं। और ऐसा एकदम साथ साथ बोल रहा है विवादित कंपनी को जिम्मा, कई राज्यों में हो चुकी है ब्लैकलिस्ट। अभी इस बार कराया क्या है कि इस बार एक एजेंसी नहीं, मल्टीपल एजेंसी मिलकर तो केवीएस का पेपर कराया, मतलब पेपर बनाना जिसको था, ये सारी जो एजेंसी थी ये पूरा सीबीएसई पेपर इसका हमेशा केवीएस का बनाती है, बट जो आपका फॉर्म फिल करवाई थी एग्जामिनेशन का वो कौन थी, वो आपकी एनटीए थी, और जो आपके सेंटर्स अलॉट किए थे वो कौन सी कंपनी थी, एपटक थी। अभी तक होता क्या था, जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है, टीसीएस वगैरह हो गई या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां होती है, वो फॉर्म भराने से लेके और आपके क्या तक पेपर कंडक्ट कराने से लेकर रिजल्ट जारी तक सब एक ही कंपनी करती है। यहां भी क्या क्या दिया गया, पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग कर दिया गया, पेपर कोई कंपनी बना रही है, फॉर्म कोई कंपनी भरवा रही है और जो ऐसी एजेंसी जो वहां पे एग्जाम दिलवा रही है, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बना रही है वो एक अलग कंपनी, और वो कंपनी एपटेक जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से बैन है, यूपीएसआई के केस में पिछली बार भी नकल करवाई थी और तभी से क्या हो गई, यूपी में बैन हो गई थी और भी अन्य राज्यों में एपटेक कंपनी बैन है और एपटेक का ही यहां पे मामला सामने आया है। और ये आंकड़े अगर देखा जाए तो अचंभित करने वाले हैं कि भाई जो 257 केवल अनरिजर्व्ड की बात किया गया है, 257 बच्चे जो बुलाए गए हैं उनमें से 160 केवल हरियाणा के, और वो भी 160 हरियाणा के, हरियाणा निवासी जिन्होंने हरियाणा में परीक्षा दी उसमें से केवल 48 है और हरियाणा निवासी जिन्होंने किसी दूसरे राज्य में परीक्षा दी उसमें से 112 है। दिल्ली निवासी जो दिल्ली के हैं वो केवल दिल्ली में परीक्षा देने वाले 6 हैं और दिल्ली निवासी जिन्होंने किसी दूसरे राज्य में परीक्षा दी वो है 34। तो ऐसा एक केस बन रहा है कि भाई क्योंकि यहाँ पे पेपर आउट हुआ है, एक कंप्यूटर का ही रिमोट एक्सेस अलग से दे दिया गया है और वहां से बच्चों को सीधा पेपर वो क्या कराया गया कि वहां पे सेंटर पे तो बच्चा बैठा है बट उसका एक्सेस कोई दूसरा देख रहा है और वहां पे पेपर देख रहा है। ऐसे ही क्यों लाइब्रेरी में नहीं, अगर आप जेएससी में भी देखोगे तो केवीएस जेएससी का आप सबको पता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक जो बच्चे जुड़े थे, सर्वाधिक जो सक्सेसफुल कोर्स भी रहा है वो टीम परीक्षा प्लस का ही रहा है और हमारे पास सबसे ज्यादा आंकड़े भी रहे हैं। मैं किसी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 120 में 118 119 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं और उसके बाद कंप्यूटर के सीपीटी में उनके मार्क्स नहीं उठ रहे हैं या फिर कहीं फेल हो गए हैं या अभी वहां पे अलग तरीके से जैसे पूरा इंग्लिश में ही पेपर आ गया, हिंदी में बाइलिंगुअल पेपर नहीं दिया गया, आउट ऑफ कोर्स थोड़ा पेपर आ गया, जिस पैटर्न पे पिछली बार आया था उस पैटर्न पे नहीं दिया, तो थोड़ा सा जैसे पैटर्न मतलब उन बच्चों ने क्या हुआ कि जो बताया गया था वहां से एकदम सेगमेंट और वो फेल हुए और वो फिर खुन्नस निकाल लें कि आपका पढ़ाया हो कुछ आया नहीं। हकीकत में तो यह है कि भाई अगर 118 119 120 नंबर
पहली बात तो ये इम्पॉसिबल होता है कि 120 में 120, 120 में 119 नंबर लाना है। और क्यों भाई, अगर आपका 120 में 119 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में थे, और कंप्यूटर अगर आप 20 में 20 सही करोगे तभी आप 119 नंबर कहीं यहाँ पे ला पाओगे, 120 ला पाओगे। तो जब आपका कंप्यूटर इतना स्ट्रांग वहाँ पे रहा है तो आपको सीपीटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे आपका इंग्लिश में ही, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज का पूछ रहा है, या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस के इर्द गिर्द आगे ऊपर नीचे पूछ रहा है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट समस्या यहाँ पे हुई है, इसका साफ साफ इशारा करती है कि हाँ भाई केवीएस जेएससी में भी यही हुआ है और यही टीचिंग एग्जाम है। अभी देखो पीआरटी का अभी तक क्या हो गया, रिजल्ट नहीं जारी किया गया और बताया जा रहा है कि बीएड वालों के चक्कर में इसे रोका गया है, बट ऐसा कुछ नहीं, उसकी दोनों लिस्ट तैयार है उसका रिजल्ट। और अभी क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर इन्हें इस बात का डर है जैसे उसका रिजल्ट आएगा, जैसे मार्क्स होंगे, फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा। एक बात मैंने आपको जब केवीएस जेएससी का रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको इस बात के थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित किया था कि कभी ऐसा हुआ नहीं इतिहास में कि ओबीसी का और जो जनरल का कट ऑफ होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाए। बट अगर देखा जाए तो 20-20 25-25 नंबर का जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में अंतर है, इसलिए भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो सबसे बड़ी बात है गड़बड़ हुई है तो हम करेंगे क्या, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, या फिर मैं एक वीडियो बना दूं, आप उस वीडियो को देख लें, आप 4-5 कमेंट कर दें और इस पे काम बन जाए? नहीं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं इतना बोलूंगा कि बच्चों आप सभी लोग एकत्रित होके सबसे पहले तो केवीएस, ये पहले बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्विटर ट्विटर खेलो, मैं तो बोलूंगा ट्विटर ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज है कि आप लोग अगर 50, 60, 100, 200 की भी संख्या में पूरे भारतवर्ष इकट्ठा होकर दिल्ली हेडक्वार्टर में जा सकते हो, केवीएस हेडक्वार्टर में, तो जाओ वहां पे एक समूह में जाओ और अपनी बात वहां पे रखो। अगर बात नहीं रखोगे तो ये परीक्षा कहीं ना कहीं ऐसे करा दी जाएगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फिर पीछे रह जाएंगे, और जो पैसा वाले बच्चे हैं 10-10, 15-15 लाख देके कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी मैं इतना कर दे रहा हूँ कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप सभी लोग वहां पे जुड़ जाइए और वहां पे मैं आपको मार्गदर्शित करता रहूंगा कैसे क्या करना है। बट एक चीज समझना, ये पूरा प्लानिंग आपको पूरा खुद से एग्जीक्यूट करना है, खुद से इकट्ठा होना है, आपको अपने लिए सतर्क रहना है, अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और हेडक्वार्टर तक पहुंचना है, अपनी बात सामने रखनी है। कैसे भी होके इस परीक्षा में न्याय होना चाहिए, बाकी सारी जानकारी हम लोग ग्रुप में या अलग वीडियो में देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, क्योंकि इससे तमाम जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, और आप टेलीग्राम लिंक पे से वो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि मैं एक जो भी कार्यवाही हो सकती है उसमें आपकी मदद कर सकूँ। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।